नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का इंडियाज वॉरियर्स आर्मी पर एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इसी वक्त जाकर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। नीचे मैंने सारी जानकारी दे रखी है दोस्तों, मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, प्लस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसकी जानकारी दे रखी है। आपका कोर्स शुरू हुए पिछले दो दिन हो गए हैं, 15 तारीख से आपका कोर्स शुरू हुआ था दोस्तों। 15 तारीख को हमारी क्लास हुई, पहली क्लास जिसमें हमने कोण के बारे में, उनके मापन की विधियां और कोण को रेडियन डिग्री ग्रेड में संबंध के बारे में बात की। दूसरी क्लास हमारी घड़ी के बारे में हुई, क्लॉक के बारे में, कि घड़ी के बारे में बेसिक जानकारी और दो सुइयों के बीच आप कोण कैसे निकाल सकते हो। तीसरी क्लास आज आपकी हुई थी सुबह, जिसके अंदर आपने पहली और दूसरी क्लास दोनों की प्रैक्टिस की। मैं रेगुलर आपकी क्लास करवा रहा हूं और ऐसे ही क्लास करवाता रहूंगा, ये रिकॉर्डेड हो अपलोड होती रहेंगी आपके साथ ऐसे ही। तो आप क्लासों को एंजॉय करें, हर एक क्लास को आप देखें, पूरा प्रॉपर देखें, उसको नोट्स बनाएं और अपने साथ साथ प्रैक्टिस करते चले। आपके पास जो कोई भी बुक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, अगर एनसीईआरटी बुक है तो बहुत अच्छी है, आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास एनी अदर कोई भी बुक है, चाहे वो एनडीए के लिए हो, एफओस के लिए हो, नेवी के लिए हो, कोई भी, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का, तो आप उसे 11th की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों में से कोई भी नए लोग हमारी इस क्लास को अभी देख रहे हो, जितने भी नए लोग, तो उन सभी लोगों से बस एक ही मेरी बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो, रुकना नहीं है। आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को मजबूत बनाओ। ये टाइमिंग ऐसा है कि ये टाइमिंग लोगों को आलसी बना रहा है। लोग आ रहा, मतलब किसी चीज की टेंशन नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, एग्जाम वगैरह का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने आप के पास एक काफी अच्छा मौका है आपको मजबूत बनाने का, अपने आप को, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, जो भी आपकी कमियां हैं उन्हें दूर करने का। तो तैयार हो जाइए इस युद्ध को लड़ने के लिए। हम यहाँ पे अपने युद्ध के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं एक तरीके से। आप भारतीय सेना में जाने की सोच रहे हो तो भारतीय सेना इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मेरे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी और ये हमारी मेहनत का एक हिस्सा है। तो चलिए, आज की हमारी जो क्लास है ये तीसरी क्लास होगी थ्योरेटिकली। आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय हमारे जो फंक्शंस हैं, जो अनुपात हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैं एक एक चीज आपको बेसिक धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैं कल भी यही कहा था, मैंने पिछली क्लास में भी यही कहा था, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, हम रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते पूरा कर लेंगे सब कुछ। तो रोजाना हर एक क्लास को देखो, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो। तो चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स की तरह ही समझा रहा हूं पूरी चीज। त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या उनके बारे में हम बात करेंगे यहां पे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहां पे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उन्हें लिख देता हूं। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, हमारा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन मैंने लिख दिए। अब किसके बराबर क्या होता है, ये सारे हमारे समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करते हैं। समकोण त्रिभुज के हिसाब से हम इन्हें अब समझेंगे कि त्रिभुज के अंदर कौन सा फंक्शन क्या होता है। दोस्तों ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया, समकोण हो गया। तो मैं यहाँ पे आपका कोण ले रहा हूँ, ये थीटा, जो हमने वहां पे थीटा कोण माना है। दूसरी बात, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है दोस्तों, के होती है। दूसरी बात, पहली बात तो कर्ण हो गई, अब बची हुई दो भुजाओं में से आधार और लंब कौन सी भुजा होगी। हमेशा एक ही बात को याद रखिएगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये निश्चित बात है, लेकिन आधार और कर्ण कभी भी निश्चित नहीं होता। आधार और कर्ण आपके कोण पर निर्भर करता है। अगर आपने कोण ये माना है सी, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? आपकी लंब होगी। तो ये भुजा आपकी क्या होगी? लंब होगी। और बची हुई भुजा आपकी क्या होगी? आधार होगी, बेस होगा। दोस्तों समझ रहे हैं? अगर ऐसे ही आप कोण ए को मान लेते हैं तो कोण ए मानने पर आपकी ये भुजा लंब हो जाएगी और ये भुजा आपका आधार हो जाएगा। तो कभी भी त्रिभुज का लंब और आधार फिक्स नहीं होता, वो कोण पर निर्भर करता है, इसलिए आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ये त्रिभुज मैंने माना है,
इस त्रिभुज पर अब हम समझेंगे इन त्रिकोणमितीय फंक्शंस को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को। आप सभी ने 10वीं कक्षा में तो पढ़ा ही होगा जो हमारे त्रिभुज वाला ये नियम जो भी चलता है, ये पूरी मैथमेटिक्स आप 10th में पढ़ चुके हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन करो, समझो, हल्के में मत लो इस चीज को, क्योंकि बहुत काम की आएगी। जब सवाल करवाऊंगा तब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस चीज के अंदर। तो चलिए, सबसे पहले हमने, मैं आपको तरीका बता दूं कि हम कैसे इस चीज को करेंगे। आप सभी लोगों ने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, एल ए एल बटा के ए, लाल बटा कक्का जिसे हम कहते हैं। हम इसी की मदद से इन्हें डिफाइन करने वाले, या फिर आप कह सकते हो ये हमने एक शॉर्ट तरीका बना दिया इन्हें याद करने के लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा करण। मैं यहां पे कह सकता हूं लंब बटा करण होता है, ठीक है। हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा करण होता है। कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा आधार बटा करण होता है, ठीक है। हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है आधार बटा हमारा, सॉरी, लंब बटा आधार। ये होता है लंब बटा आधार। तो साइन थीटा लंब बटा करण, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण, और कोट थीटा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे लिखने में मैंने थोड़ा कर दिया है, टेन थीटा और ये यहाँ पे कोट थीटा और ये सेक थीटा और ये हमारा कोसेक थीटा। चलिए अब थोड़ा गैप दे दिया, तो वापस एक बार समझेंगे। हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं जो हमारे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनके बारे में हम थोड़ा बेसिक यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा, एक एक चीज को नोट करते चलिए, समझते चलिए, आपका सब कुछ क्लियर होता चलेगा। और जब ये चैप्टर पूरा होगा तो त्रिकोणमिति इतना बड़ा चैप्टर है, आपके एनडीए में कम से कम यहां से 10 से 12 से 15 सवाल यहां से पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं, 1 या 2 सवाल आपके पूछे जाएंगे पक्का। आपका नेवी में पूछा जाए तो नेवी में भी 2 से 3 सवाल आपके यहां पे होते हैं, चलिए, क्योंकि काफी बड़ी यूनिट है, यहां पे काफी चैप्टर आपके इंक्लूड हो जाते हैं एक साथ। हमारा एंगल और ये टी रेशियोज, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा एक जगह कंबाइंड हो गया, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्राइंगल वाली ट्रिग्नोमेट्री होगी, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बहुत बड़ी, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जिसका कभी कोई एंड नहीं है। लेकिन हमें, हमारा जितना लेवल तक पूछा जाता है हम उतना लेवल रखेंगे, और आपको मैं उसका लेवल ज्यादा ही रखूंगा ताकि आपको कभी मात खानी ना पड़े। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब आगे क्या करोगे? आगे के तीनों अनुपात के अंदर बस उल्टा करते चलो। टेन कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? करण बटा आधार, करण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर करण बटा लंब, करण बटा लंब। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब समझिए एक बात को आपको समझना है अच्छे से, और वो बात क्या समझनी है वो यहां पर समझाता हूं। अगर आपको कभी भी देखिए साइन थीटा बराबर कोई वैल्यू देता है, साइन थीटा बराबर सवाल कैसे पूछ सकता है और ये हमारे कहां क्या काम आने वाला है, साइन थीटा बराबर एक्स बट्टा वाई उसने कोई वैल्यू दे दी, अब आपसे वो पूछ सकता है, इससे साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, तो आपसे वो कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो आप ये कैसे निकाल सकते हो? तो साइन थीटा अगर आपके पास है तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा करण होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर एक्स बटे वाई बराबर लंब बटा हम करण इसे लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो लंब की वैल्यू एक्स है और करण की वैल्यू वाई है। अब आप जानते हो हमारा जो समकोण जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? करण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारे पास यहां पर लंब भी है करण भी है, जो 2 आपको मान दिए गए हैं उन 2 का मान इस पाइथागोरस प्रमेय में रख दीजिए और आपका जो तीसरा मान है वो निकल कर आ जाएगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके पास हो जाती हैं जिससे आप त्रिकोणमिति किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हो, बहुत आसान होगा आप सभी लोगों के लिए। तो समझ में आया आप सभी लोगों को?
तो आप सभी से नोट करें, सबसे पहले त्रिभुज बनाएं और त्रिभुज से साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक को आप लिखेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, कोस थीटा बराबर आधार बटा करण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर करण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर करण बटा लंब होता है। तो आप इसे आसानी से समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया बात है। मैं यही चाहता हूं कि हर एक चीज आपको साथ के साथ याद होती रहे। अगर देखिए, अगर मेरी क्लास आपको पसंद है तो आप रोजाना इस क्लासों को, मेरी एक एक जो क्लास आपके साथ आती है, आप क्लासों को रोजाना देखिए। और जब आप 10-15 दिन तक रेगुलर क्लासें देखेंगे तो आपका रूटीन बन जाएगा और 4 महीने में आपको पता भी नहीं लगेगा मैथमेटिक्स आपका किस लेवल पर एक हद तक तैयार हो जाएगा। तो वही बात है भाई, देखो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, हम केवल आपकी मदद कर सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। मदद मेहनत पूरी आप ही को करनी पड़ेगी। तो मैं अपना वही मोटो वापस रिपीट करूंगा कि ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक हमारे सपने पूरे ना होंगे। नहीं रुकना है आप लोगों को, ये जंग है और इस जंग में जो एक बार आ गया वो फिर वापस नहीं जा सकता। अगर वापस चले गए तो दुनिया आपको जीने नहीं देगी, आपको ताने मार मार के मार देगी भाई। बस बात यही है, आपको रुकना नहीं, अब करके दिखाना है जो आपने सोचा, अब उसे आपको प्रूव करना है। अब आपको उसे दुनिया को दिखाना है कि हाँ जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। बस अब यही बारी है। तो चलिए शुरू हो जाइए, अपने पेन पेपर को, अपनी नोटबुक को अपने साथ रखिए, नोट कीजिए, सवालों को हल कीजिए और तैयार रहिए अपने युद्ध के लिए, अपने हथियारों को तैयार रखिए। चलिए, तो आप सभी का ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं इसी के अंदर। तो चलिए मैं इसे अब मिटा रहा हूं और फिर मैं हमारे अगले टॉपिक की बात करूंगा जो इसी का टॉपिक है। आप लाल बटा कक्का से याद रख सकते हैं इन चीजों को, जो मैंने ट्रिक आपको बताई है लाल बट्टा कक्का से आप इन्हें याद रख सकते हो। चलो अब मैं बात करूं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में जो संबंध होता है, आसान सा संबंध, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, जो आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। हम 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं और 12वीं से हाई लेवल ऐसे एंटर करते चलेंगे। ये नहीं कि हम सीधा छलांग ऊपर की ओर लगा दे, नहीं, ऊपर जाओगे तो सीधा नीचे गिरोगे भाई, बात है ना। एक एक सीढ़ी 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 हमें चलता है तब तक हम ऊपर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो हर एक सीढ़ी को आपको कदम रख रख के, यूं पांव को जमा जमा के आपको ऊपर जाना, यूं नहीं सीधा। एक सीढ़ी को अगर कहीं पर भी आपने छलांग लगाई तो वो बीच की सीढ़ी आपको गिरा देगी, इतना बता देता हूं। चलिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, हमारा कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, हमारा टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, आप उल्टा भी तो कर सकते हो यहां पे। उल्टा क्या कर सकते हो, देखो उल्टा आप कर सकते हो यहां पे, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। यहां पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। अगर आपको साइन थीटा का मान दिया है और कोसेक थीटा का मान पूछा है तो 1/ आप यहां पे कर सकते, कोसेक थीटा का मान पूछा है, सॉरी आपको कोसेक थीटा का मान दिया और साइन थीटा पूछा है तो 1/cosec थीटा कर दो, साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा है दिया है तो कोसेक थीटा पूछा तो 1/sin थीटा कर दो। और इसी तरह आप कोस थीटा में, सेक थीटा में, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा। आप इन संबंधों को यूज करके आप बहुत आसानी से सारे सवालों को हल कर सकते हो। यहां पर टेन के लिए एक स्पेशल और है, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा। इस संबंध को आपको याद रखना है, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके बीच में आसान सा कुछ संबंध है जो आपको सवालों को हल करने में मदद करेगा। एक एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए, नोट करते चलिए, आपका धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। बिल्कुल उल्टा है दोस्तों, एक दूसरे का एक दूसरा उल्टा है। 6 ही फंक्शन है तो बहुत आसान है याद करना। आगे जो फॉर्मूले आएंगे उन्हें थोड़े आपको मेहनत लगेगी, इनमें कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं जब बगल में साइड में होता हूं तो तब आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर क्लास के टाइमिंग पे आप नोट नहीं कर पा रहे तो साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहो, वीडियो को पॉज कर लो लेकिन नोट करो, नोट्स बनाते चलो और धीरे धीरे करते करते आपके चैप्टर यूं पूरे होते चलेंगे। चलिए, अब मैं आपको इसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ सवाल आपको करवाऊंगा
जो आपको करने हैं और आपको समझना है कि हाँ हमने अभी जो टॉपिक जो क्लियर किया है, अभी जो हमने कंसेप्ट समझा, ये कंसेप्ट हमारा कैसे होगा, इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं कुछ सवाल आपको भी दूंगा और कुछ सवाल मैं भी करवाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा बराबर 3/4 है तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको यहाँ पर कोट थीटा, आपको यहां पर सेक थीटा, ये दोनों फंक्शंस का मान निकालना है कि सेक थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे आप यहां पर कोट थीटा सेक थीटा। हम सबसे पहले साइन थीटा को समझ लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, क्या होता है लाल बटा कक्का, यानी एल बटा के, इसका मतलब क्या होता है लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण। हमारा मान कितना दिया गया आपको 3/4, लंब कितना है 3 और करण कितना है 4। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है करण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए, करण का स्क्वायर है हमारा 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस हमारा आधार, ऐसे कैसे लिख दीजिए, ठीक है 4 का स्क्वायर 4 × 16, 16 में से 3 का स्क्वायर 9 माइनस जब हम करते हैं तो कितना बचता है 7 बच गया हमारा, 16 में से 9 गया तो हमारा कितना बचा 7, और ये आधार स्क्वायर इधर बच जाएगा, मतलब क्या होगा आपका इधर हो गया आपका आधार बराबर अंडर रूट हो गया इसका स्क्वायर, यानी 16 माइनस इसका स्क्वायर 9 बराबर अंडर रूट 7। आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आधार की वैल्यू अंडर रूट 7 आ गई, वैल्यू कुछ भी आ सकती है याद रखिए अंडर रूट 7। आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए लाल बटा कक्का। हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता है, यानी एल बटा हमारा आधार होता है, सॉरी लाल बटा के ए, हाँ लाल सॉरी लाल एल ए एल बटा के ए, ठीक है लाल बटा लंब बटा आधार होता है टेन कोट टेन थीटा है हमारा, ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा, विपरीत होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा था और पीछे भी आपको मैंने बताया था, अभी जो जब हिंदी में लिखाए थे उनमें भी लिखाया था, और अभी मैंने बताया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot θ, और कोट थीटा बराबर 1/tan θ। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan θ, इसका मान कितना आता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 3 है हमारा लंब, आधार अंडर रूट 7, तो ये आता है 3/√7, और इसकी वैल्यू उल्टी तो √7/3, √7/3, आपका इसका आंसर आ जाता है। सेम टू सेम sec थीटा क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लाल बटा कक्का, यानी लाल आधार बटा करण होता है। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, करण बटा आधार, करण की वैल्यू कितनी है 4 है, आधार की वैल्यू कितनी है √7 है, तो 4/√7। तो दोस्तों आप अगर आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया है तो आप उससे दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आसानी से निकाल सकते हो। आपको अभी मैंने जो छोटा सा जो कंसेप्ट समझाया है उस कंसेप्ट की मदद से आप इन चीजों को समझ सकते हो, दूसरे को एक दूसरे से जोड़ सकते हो और आसानी से इन चीजों को एंजॉय करके आप समझ सकते हो। चलिए तो अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखूंगा जिन सवालों को आप लोगों को हल करना है। और दूसरी बात, अगर आप देखिए, पहली बात तो ये सवाल कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, ये कंसेप्ट कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको इन सारे सवालों को हल करना है, अपने पास इनको रखना है और मैच कर लेना है। आप सभी खुद मैच करेंगे, आप ये नहीं कि अगर आपको सवाल नहीं आता तो आप सीधा मुझे भेज देंगे, और अगर आपको कोई सवाल नहीं भी आता है तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, सवालों को नोट करें, सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीधा टेलीग्राम, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको स्टडी मटेरियल और सारी चीजें देता हूं। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको अगर कोई समस्या है, कोई सवाल नहीं आ रहा, तो आप उसे वहां पर पूछ सकते हो बेझिझक,
चैनल पर आप नहीं पूछ सकते, चैनल पर आपका कमेंट का ऑप्शन नहीं आता, आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो। आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पे जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे, आपके साथी ही लोग जुड़े हुए हैं जो सवाल आपसे सवाल पूछेंगे, आपको सवाल बताएंगे और ऐसे मिलते मिलते सवाल पूछते बताते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये नहीं कि आप सीधा मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं भाई गलत बात है बिल्कुल, इतना ज्यादा नहीं। चलिए सवाल लिख देता हूं आपको, हमारे पास है कोस थीटा बराबर यहां पर 7/9, कोस थीटा बराबर 7/9 है तो आपको निकालना है साइन थीटा, यहां पर टेन थीटा, यहां पर आपको निकालना है तीसरा हमारा जो है वो सेक थीटा। ये आपको तीन फंक्शंस की वैल्यू यहां पे निकालनी है, साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। अगला सवाल एक और लिख देता हूं आपके सामने है, टेन थीटा बराबर यहां पर 3/5 मैंने दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5 है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैल्यू जो लिख रहा हूं वो कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, ऐसे मैं ऐसे ही वैल्यू लिख रहा हूं तो आंसर आपका कुछ भी आ सकता है। तो साइन थीटा है, टेन थीटा आपका दे रखा है, तब आपको निकालना है साइन थीटा बराबर यहां पर कोट थीटा बराबर, और यहां पे आपको निकालना है सेक थीटा बराबर। इन तीनों फंक्शंस की आपको वैल्यू निकालनी है। एक सवाल और लिख देता हूं आपके पास, अगर आपका सवाल है कि साइन थीटा बराबर आप यहां पे लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर मैंने लिख दिया 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 है तो आपको निकालना है कोस थीटा, ये है आपका टेन थीटा, ये है आपका कोसेक थीटा। सवाल बहुत आसान है, बेहद ही आसान सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिलेटेड मैंने ये सवाल आपको दिए हैं, तो सवालों को नोट करें, एक एक टॉपिक को समझते चलें, आपको दिन में और वीडियो मिलते रहेंगे, मैं एक एक टॉपिक को करते करते पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो मेरे भाई बस मेहनत करते चलो, हमारा सिलेबस कब पूरा हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो सवालों को करना, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जुड़ के सवालों को डिस्कस करते रहिएगा। बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, और फ्री कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को भी मजा आ जाए पढ़ने में। हाँ, मैं और वीडियो डालता रहूंगा, और पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मजे करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस एक बात और देखिए, थोड़ा थोड़ा करते चलिए, हो जाएगा पूरा, बस टेंशन नहीं लेनी है, डिप्रेशन में नहीं जाना, हो जाएगा, जितना भी होगा अच्छा होगा, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत मेरे सारे एस्पिरेंट्स। चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और अगर हमारा हौसला बढ़ेगा तो आप लोगों को हम एक अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। तो जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बस एक एक बंदा अगर 10-10 लोगों के साथ शेयर करता है, तो अगर आप व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते तो फेसबुक पे डाल दो यार, आपके पास फेसबुक पे ग्रुप होंगे, पेज होंगे, आपकी प्रोफाइल होगी, आप वहां पे इसका लिंक कॉपी करके कुछ लिख के आप वहां पे डाल सकते हो, जिससे हमें सपोर्ट मिले। तो बस आपसे इतना ही चाहते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।